लोगों को मुझे मदद मिल गई तो थोड़ा सुकून शांत हुआ 4-6 दिन पे। हे गाइस, दिस इज हर्ष खोवाल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज आ चुका हूँ मैं फरीदाबाद सेक्टर 37 की मेन मार्केट में। उसके सामने एक बाबा बैठते हैं मेरे पास, किसी ने इनकी वीडियो का लिंक भेजा, मैंने देखा और मेरे पास एक दो DM आए थे इंस्टाग्राम पे कि आपको यहाँ पे जानी चाहिए, इनके वीडियो बनानी चाहिए जिससे इनका सपोर्ट होगा। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। इनकी उम्र 86 ईयर ओल्ड है। हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और 86 ईयर ओल्ड होने के बाद भी ये काम करते हैं। इनके बड़े बेटे की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और इनका छोटा बेटा उन्हें पैरालाइज हो चुका, तो वो कुछ काम नहीं कर सकते, वो घर में रेस्ट करते हैं। उसके बाद बाबा की बॉडी भी आधी पैरालाइज है, मतलब हाफ बॉडी बाबा की पैरालाइज है, उसके बाद भी वो काम करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और मैं इनसे बात करूँगा, इनके बारे में जानूँगा, ये रहते कहाँ हैं, क्या क्या करते हैं और कि क्या बेचते हैं, ये अपने परिवार को कैसे पालते हैं। इनके फैमिली में 6 मेंबर हैं जिसमें इनके इंक्लूड है बेटा, उनकी वाइफ, इनकी विडो, बेटे की विडो, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो इनसे मैं बात करता हूँ, इनकी हेल्प करेंगे और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप इन पे विज़िट करें, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। कि जैसा कि आपने दिल्ली में बाबा के ढाबे को फेमस करवाया, ऐसी ये भी एक बाबा है, आप इन्हें भी इंटरनेट की ताकत के साथ आप इन्हें भी फेमस करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो चलिए देखते हैं, हम इनसे बात करते हैं। और पहले तो राम राम। राम राम बाबा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है छंगावाल। तो बाबा, मैंने आपका कहीं फेसबुक पे ये देखा था लिंक, मेरे पास किसी ने सेंड करा के मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो मैं आ गया। अच्छा। तो बाबा आप अपने बारे में बताइए, कैसा रहा? मैं ये भाई, मैं अपना झाल मुरी बेचता हूँ, चने हैं, मुरमुरा हैं, नमकीन है, हरे मिर्चा हैं, नींबू है और मसाले डाल के यही चीज़ बेचता हूँ। तो बाबा, जैसे मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था उसमें लिखा था आपके बड़े बेटे की डेथ हो चुकी है। हाँ। आपके एक बेटे को पैरालाइज भी है और उनकी जो फैमिली है, आप उनको सब आप कुछ वही देखते हैं? हाँ भाई, वो तो देखना पड़ेगा बच्चों को, बच्चों के बारे में तो भाई देखना पड़ेगा। तो बाबा आप अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से शुरुआत करी, आप यहाँ तक कैसा है, कुछ आप अपने बारे में बताइए। मैं भाई साहब, पहले तो रहने वाला तो मैं बिलंदसर का हूँ, तो भाई सही सलामत है दोनों मेरे बच्चे। पहले वो आए यहाँ अपना सिलाई लाई का काम करते थे, उसके बाद में भाई उनका काम जम गया तो मैंने यहाँ अपनी थोड़ी जगह भी ले ली, अपना धीरे धीरे करके बना लिया दोनों भाइयों ने, भाई दोनों तीनों ने अपना जुर्म मिल के। तो भैया ये पीछे से मैं ये आधभर में आके मेरे पे बिपता पड़ गई। तो बाबा, जैसे आपको पहले इस पे बिक्री होती थी आपकी इतनी? हाँ, ना इतनी नहीं होती थी जितनी आपकी अब होने लगी। वो वीडियो हाँ, आपकी एक जो वायरल हुई जो मैंने हाँ, देखा, फिर मैं आपके पास आया। तो हाँ, आपकी बिक्री अब कैसे हो रही है बाबा? ना पहले थे तो अब सही हो रही है, अब आपको मदद मिल पा रही है? और फिर भी मदद मिल रही है, बिक्री भी मेरी हो रही है। तो बाबा आपका जैसे काम है, आपने कभी हार नहीं मानी इतनी बड़ी उम्र आने के बाद? अब मैं भाई कैसे हार मान जाऊँगा भैया, हार मैं मान कैसे जाऊँ, क्योंकि अब हार तो मैं जब मानता कि ये मेरे को कुछ दिख लिया है, उन्होंने मेरे को आँख दिए कि भाई ये है और मेरे को आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो बस मैंने तो हार माननी नहीं है। तो बाबा ये है आपका सच है, आधा शरीर भी आपका पैरालाइज है, हाफ शरीर, वो भी बात सच है? हाँ ये सवाल मेरा। तो बाबा आप इसके बाद भी इतनी मेहनत करते हैं, आप आजकल के जितने भी नए नए हमारे जो हैं इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि मेहनत से कभी हारना नहीं चाहिए? अब भाई मैं ऐसे कैसे कह दूँ भाई, किसी के मन में कैसे है, किसी के किस मन में कैसे है भाई, मनुष्य का जन्म रख के और जीवन को अपना मेहनत करके और गमाइए। तो आपका कहने का मतलब ये, कभी ज़िंदगी में हारो मत, मेहनत करके आगे बढ़ो, सही बात? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भैया धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है, सही बाबा एकदम। तो जैसा मैंने देखा आपको अब ज़्यादा सपोर्ट मिल पा रहा है। हाँ। तो बाबा मैं भी अपनी वीडियो से पूरी कोशिश यही करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट दिलवाऊँ, और मैं खुद आपकी सपोर्ट करने के लिए इतनी दूर से यहाँ पे आया हूँ खुद। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा। आपको पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, जैसे पब्लिक भैया मेरे को चाह रही है इस समय, मैं भी आत्महत्या कहता हूँ पब्लिक मेरे आत्महत्या आगे कोई बढ़े, जैसे पब्लिक ने आपको आगे बढ़ाया ऐसी और जितने भी वो भी आगे बढ़े। हाँ। आपका कहने का मतलब ये है? हाँ। भाई जैसे मेरे को आगे बढ़ाया है भाई, मैं भी ये चाहता हूँ पब्लिक भाई मेरी आत्महत्या आगे कोई बढ़े। तो बाबा अब आपका काम अच्छा चल रहा है? हाँ भाई, पहले तो अच्छा चल रहा है।
तो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है। हाँ। आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो आप मुझे कभी भी कॉल कर लीजिएगा। बढ़िया बस ठीक है, आपका नंबर आ गया भैया, धन्यवाद धन्यवाद बाबा। धन्यवाद नहीं, ये तो मेरा कर्म है और ये तो मेरा काम है, ये तो मुझे करना ही है। किसी की भी मदद करो तो वो अच्छी ही बात है। आप कुछ अब अपने बारे में बताइए, आप अपने परिवार के बारे में बताइए, आप उन्हें कैसे उनका ध्यान रखते हैं, कैसे उन्हें पालते हैं। भैया देखो बच्चों के बारे में तो लिखाना भी है पढ़ाना भी है, वो कैसे कि भाई अभी छोट उनकी स्कूल जाने वाले हैं, भाई मैं अपने जीते जीते ये नहीं चाहता हूँ, चाहे बेशक मैं भीख मांगूँ, भाई मेरे वो बच्चे कहीं आगे जाके अपना ऊँटा काला कर रहे, उनका भविष्य बने। ऐसा तो नहीं है आपको हम भीख मांगने तो नहीं दे सकते। आप इतनी मेहनत में काम, मतलब आप इतनी बड़ी उम्र में, 86 उम्र है आपकी, बहुत बड़ी उम्र होती है, आप इसमें काम कर लो, आपका हाफ जो है बॉडी वो पैरालाइज है फिर भी आप काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे कैसे भीख मांगने देंगे। अभी तो बहुत पूरी दुनिया है बाबा, अब जैसे भाभा का ढाबा वो फेमस हुआ आपने उसके बारे में सुना होगा, ऐसी बाबा आपको भी प्यार देंगे जैसे उन्हें प्यार दिया है, ऐसी और भी बाबा है जिन्हें हम प्यार देंगे, लेकिन वो काम हम आपको करने नहीं दे सकते। देखो भैया ऐसा है, मैं तो साफ कहता हूँ, एक बड़ा बूढ़ा हुआ, एक फकीर हुआ, एक महात्मा कोई हुआ, इनके पास जेब में नहीं है रखने को कि ले बच्चा तू मेरे द्वार पे आया ले जा, इनके पास दुआ है, कोई माई का लाल बिल्ला होता जो इसकी दुआ देता है। हर एक आदमी के बस की नहीं है लेना दुआ, ये तो माई का लाल कोई जबिल्ला ही होता है जो बड़े बूढ़े की दुआ देता है और वो ही आगे को फल फूल के फरता है। तो बाबा आपके जो घर में, देखो मैं तो साफ कहता हूँ, यह वृक्ष है, वृक्ष है नीचे अकेला है, उसका ऊपर जाके आकाश कितना बड़ा है, क्योंकि यहाँ कितने पक्षी और कितने मने इसकी छाया बैठती है, क्योंकि भाई छाया का फल है। बहुत से मूर्ख पानी देते हैं, बहुत से भैया अब भाई मस्तक भी निभाते हैं, बहुत से भैया ऐसे होते हैं तोड़ा ताड़ा अपना तेज बगाया, क्योंकि इसका नाम संसार है, ये सागर ताल है, क्या पता इस दुनिया में किस किस्म का। बाबा मैं तुम्हें मतलब ऐसे इतनी उम्र देख के मैं तुम्हें सलूट करना चाहूँगा कि इस उम्र में आप इतना काम कर रहे हो, कोई नहीं करता, मतलब देख के इतना मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ आपकी, जब मैंने वीडियो देखी, जब भी मैं इतनी दूर से अभी आया, जस्ट मैंने आपकी वीडियो कल रात में ही देखी थी, मेरे पास किसी ने भेजी थी, तो जस्ट रात में मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैं आपके पास आया। तो बाबा आप अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या हादसा हो गया आपके साथ वो बताइए बाबा। मेरे परिवार में भैया हम 6 जने हैं, अच्छा इसमें एक लड़का मेरा अपाज है, और दूसरी बात वो छोटे बच्चे हैं मेरे, अभी वो काम कर ले नहीं कर सकते हैं, भाई देखने को तो कहते हैं कि इतना बड़ा है, भाई बड़े का मतलब ये होता है जो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, कोई हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो जब ही समझ लो कि भाई अपना पैरों पर खड़ा है, और जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा है ये मत समझो कि वो तो नाम है, क्योंकि वो तो नाम है। तो इसी में भैया मैं तो यही चाहता हूँ, हे प्रभु बच्चे मेरे और अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो बाबा है आपके पास कुछ, मुझे बना के खिलाइए आप, कुछ खाओ जी बना के खिलाइए बिल्कुल, तो मैं टेस्ट करूंगा बाबा की भेलपूरी, तो देखते हैं बहुत अच्छी हो गया है, बहुत क्योंकि देखो लॉकडाउन में तो भाई बहुत ही ज़्यादा परेशानी पड़ी थी, और काम भैया कोई करने नहीं देता था, तो कह तो भैया इस बात के लिए मैं जानता हूँ, और क्या भाई वो जानते हैं उन्होंने, हाँ भाई कैसे बच्चों का पेट भरा है। तो अब आप लोगों को मुझे मदद मिल गई तो थोड़ा सुकून
शांत हुआ 4-6 दिन पे। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूँ भैया, जैसा प्रभु मेरी मदद करी है ऐसे प्रभु सब। तो बाबा आपका सोचना मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा आपने कहा मेरी मदद करी ऐसी सबकी मदद करिए, बात सोच बहुत अच्छी लगी बाबा। मुझे मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं इतनी दूर से आया और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। मेरे को यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा कि मैं आपसे मिल पाया, आप मिल गए। मुझे लग रहा था कि आपकी दुकान के यहाँ घर ना चले गए हो, मुझे टाइमिंग का नहीं पता था इतना, तो आप मिल गए बहुत अच्छी बात है, वरना मैं कल भी आता, मैं ट्राई करता रहता। तो बाबा बहुत शुक्रिया आपसे मैं मिला, मैं पूरी से पूरी मदद आपकी करूंगा और जो भी मेरी टीम है सब पूरी मदद करेगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके पास मेरा नंबर है, कभी भी आप फ़ोन कर लीजिएगा, किसी भी चीज़ की मदद हो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं मदद करने के लिए रात में भी दिन में भी कभी भी आपके पास पूरी तरीके तैयार हूँ। बाबा आप और कुछ बोलना चाहते हैं? बस मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरी मदद हो रही है प्रभु सब लोगों की मदद करे। दिन पे दिन जैसे गिरा हुआ मेरे को तुमने उठा दिया, ऐसे ही प्रभु सबको ऊपर उठाए। बाबा ऐसी सोच के लिए तुम्हें सलाम, बहुत ही दिल से सलाम। तो मैं अब अलविदा लेता हूँ बाबा, और कुछ भी मदद हो मुझे कॉल कर लेना। बिल्कुल बाबा, ठीक है बाबा, तो मिलते हैं बाबा आपसे। बाबा ठीक है, राम राम। अच्छी बात है भैया। बाबा की भेलपूरी टेस्ट करी, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी लगी मुझे टेस्ट करने के बाद। तो मैं आपसे एंड में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोकल को सपोर्ट करें, लोकल की हेल्प करें, जितने लोकल वेंडर हैं। और आपको यहाँ पे आना हो तो बहुत ही इजीली एड्रेस है इनका, बहुत आसानी से आप पहुँच सकते हैं। इनका एड्रेस है सेक्टर 37 फरीदाबाद मेन मार्केट के सामने, इनकी कार्ट यानी रेहड़ी लगाते हैं। इनकी टाइमिंग है 9:00 से लेकर 4:30 तक यहाँ पर ये बैठते हैं। आप इन्हें आइए, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए, आप लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करिए। अगर किसी भी लोकल वेंडर्स को मेरी हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का मेरा लिंक है, आप वहाँ पे जाके मुझे DM करिए, मैसेज करिए, मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगा। तो एंड में आपसे यही कहना चाहूँगा, आप सिर्फ लोकल को सपोर्ट करिए इन सबको, क्योंकि आपने जैसे बाबा के ढाबे को प्यार दिया आप ऐसे ही इन्हें प्यार दीजिए, मेरा ये कहने का मतलब है। तो आप इन्हें सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।